देश में मेरे देश के रंग। जज्बों का तहवार वतन से दूर वतन की आवाज और आपकी पहचान सफीरे पाकिस्तान। नादिन आज की लोकल ग्लोबल में हम ला रहे हैं जिसको फिल्म बंद किया है हमारे लिए जनाब जहांगीर लोधी साहब ने जो कि हमारे ब्यूरो चीफ है न्यूयॉर्क में। कोई भी रिपोर्ट डलवानी हो या दिखानी हो सिर्फ पाकिस्तान में तो न्यूयॉर्क में आप जहांगीर लोधी से जरूर रब्ता कायम कीजिए। नाज़रीन तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहांगीर लोधी नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान। आज मैं न्यूयॉर्क में मौजूद हूं और अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के एम्बेसडर मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का अंदनाक वाकया हुआ है जिसमें बेशुमार बच्चों को शहीद कर दिया गया है। इस वाकया के तसलसल के अंदर मैं आज मसूद खान साहब के साथ उनके एहसासात और जज्बात जो हैं वो मालूम करने के लिए यहाँ पर मिशन में मौजूद हूँ। आइए आपकी मुलाकात मसूद खान साहब के साथ करवाते हैं कि उनसे अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर दूसरे ममालिक के सफरा ने क्या शेयर किया और उनके अपने जज्बात एहसासात क्या हैं। ये बहुत ही दिलखराश और होलनाक वाकया रूनुमा हुआ है। ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है और इसके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता बल्कि तसव्वुर करते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम मैं खुद मेरा ख़ानदान और यहाँ जो हमारा मुस्तकिल वफद अक़्वामे मुत्तहिदा में उसकी तरफ से उन ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ जो अपने बच्चे खो बैठे हैं। वो बच्चे पाकिस्तान के बच्चे थे, वो हम सब के बच्चे थे। तो एक तरफ हमारे अंदर गम व गुस्से के जज्बात हैं और दूसरे ये अज़्म समीम है कि हम इस लानत का ज़रूर मुकाबला करेंगे और इसे ख़त्म करके ही दम लेंगे। आपने मुझसे ये भी पूछा कि यहाँ अक्वामे आलम का क्या रद्द अमल था। अक्वामे मुत्तहिदा में 193 ममालिक के वफूद मौजूद हैं। कल जब ये खबर नशर हुई, ये अलमनाक खबर नशर हुई तो इसने पूरे के पूरे अक्वामे मुत्तहिदा के दिल दहला के रख दिए। उन्हें यकीन नहीं आता था कि इस तरीके से मासूम बच्चों को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द जिन्होंने इंसानियत के तमाम ज़ाब्तों को तार तार कर दिया है। खुद अक्वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब बान की मून ने कल सलामती काउंसिल के एक भरे इजलास में इस वाक़े की न सिर्फ मजम्मत की, न सिर्फ उन ख़ानदानों से हमदर्दी की जो अपने बच्चे खो बैठे हैं बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत को यकीन दिलाया कि अक्वामे मुत्तहिदा उनके साथ इस वक्त इस नाजुक लम्हे में और इस लानत का मुकाबला करने के लिए शाना बशाना खड़ा है। सलामती काउंसिल ने खुद वहाँ के तमाम अरकान ने यके बाद दीगरे पाकिस्तान के साथ इजहार हमदर्दी किया।
G77 جو ایک 133 ارکان کی ایک ڈیولپنگ کنٹریز ترقی پذیر ممالک کی کا ایک فورم ہے, انہوں نے وہاں آبزرونس ایک منٹ کی سائلنس آبزرو کی, اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف دی جنرل اسمبلی ہیں مسٹر سیم کٹوسا, انہوں نے ایک میسیج دیا اس سلسلے میں پاکستان کے عوام کو, پاکستان کی حکومت کو. تو کل پورا دن جو ہے جو پاکستان کا حادثہ یا سانحہ تھا یا دہشت گردی کا یہ جو مذموم واقعہ تھا, اس کے لیے اقوام متحدہ خاصی پریشان بھی رہی اور حکمت عملی کے اوپر بھی سوچتی رہی کہ اس قسم کے جو جرائم ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کو کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمدردی, ہم سے ہمدردی کی گئی, پاکستان کی قوم سے ہمدردی کی گئی, وہاں پاکستان کی حکومت, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے بچے بچے کے اس عزم کو سراہا گیا کہ پاکستانی دہشت گردی کو کسی صورت میں اپنی سرزمین پہ قبول نہیں کریں گے اور اس کا مقابلہ کر کے اور اس کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے.